किसान आंदोलन के समर्थन में उज्जैन युवा कांग्रेस ने टॉर्च जुलूस निकालकर केंद्र सरकार से कृषि कानून वापस लेने की मांग की है। दिल्ली के पास चल रहे किसान आंदोलन के समर्थन में बुधवार की शाम को युवक कांग्रेस ने टॉर्च जुलूस निकाला। युवा नेता बबलू खिंची ने कहा कि केंद्र सरकार किसानों के लिए कृषि कानून के नाम पर 3 काले कानून ला रही है। कानून लागू होते ही देश के अन्नदाता भुखमरी की कगार पर पहुंच जाएंगे। युवक कांग्रेस ने बुधवार को पूरे देश में शाम 6 बजे किसानों के सम्मान में युवक कांग्रेस मैदान में कार्यक्रम के तहत मशाल और टॉर्च जुलूस निकाला गया। उन्होंने बताया कि कांग्रेस पार्टी की मांग है कि केंद्र सरकार शीतकालीन सत्र में कानूनों को रद्द करे। कांग्रेसियों की जिद के आगे झुका प्रशासन। शहर में कानून व्यवस्था को देखते हुए प्रशासन ने पहले तो जुलूस निकालने के लिए अनुमति देने से इनकार कर दिया, लेकिन कांग्रेसियों ने कहा कि अगर अनुमति नहीं मिलेगी तो भी जुलूस निकालेंगे। उनकी जिद के आगे प्रशासन को झुकना पड़ा। उज्जैन उत्तर के लिए फ्रीगंज ओवरब्रिज से टावर चौक 100 मीटर और उज्जैन दक्षिण के लिए 3 बत्ती 84 से टावर चौक 300 मीटर तक जुलूस का परमिशन दिया गया। पूरे देश में आज यूथ कांग्रेस ने मशाल रैली निकाली है और उसका एक ही मकसद है, देश का किसान आज सड़कों पर है। केंद्र में अगर मैं बात करूं तो दिल्ली के चारों तरफ पांचों तरफ से किसान भाई पिछले 1.5 महीने से संघर्ष कर रहे हैं और उतनी मांग कर रहे हैं कि जो 3 काले कानून कोरोना के समय में संसद में पास हुए हैं उसको तत्काल प्रभाव से रद्द किया जाए, परंतु नरेंद्र मोदी जी हैं वो सुन के नहीं दे रहे हैं। बार बार चर्चा हो रही है परंतु उस पर काम नहीं हो रहा है। अब जब संसद का शीतकालीन सत्र होना था, जब किसानों के मुद्दे उस संसद में गूंजने थे कि सारे सांसद भाइयों ने मिलकर किसानों की आवाज़ बनना था, तो संसद में ये निर्णय लिया गया कि शीतकालीन सत्र रद्द कर दिया जाए। आज युवा कांग्रेस सड़कों पर उतरी है कि शीतकालीन सत्र होना चाहिए, देश की अर्थव्यवस्था की बात है, किसान भाइयों की बात सुनी जानी चाहिए और उस पर पुनर्विचार होना चाहिए। इस मांग को लेकर आज पूरे देश में युवा कांग्रेस ने मशाल जुलूस, टॉर्च मार्च और अपने फोन की लाइट जलाकर आज ये संदेश दिया है कि नरेंद्र मोदी जी, देश की बात आपको सुननी होगी। भारत माता के सपूत हमारे किसान भाई जो हमेशा भारत माता की रक्षा के लिए खड़े रहते हैं, उनकी आवाज़ आपको सुननी होगी और युवा कांग्रेस आपको मजबूर कर देगी किसानों की बात सुनने के लिए। पूरे हर असेंबली के लिए एक मशाल जुलूस टॉर्च जुलूस का एक आह्वान था किसानों के लिए समर्थन में, क्योंकि ये नरेंद्र मोदी सरकार जो काला कानून लेके आई है ये राष्ट्र विरोधी है, किसान विरोधी है। इसके उनको बताने के लिए नरेंद्र मोदी और ये भाजपा की सरकार को कि आप ये काला कानून वापस लो और किसानों के लिए जो जुल्म कर रहे हो इसको तुरंत बंद करके किसानों के समर्थन में आकर उनके लिए एक अच्छा कानून पास कराएं, जिसको उनको मिनिमम सपोर्ट मैक्सिमम सपोर्ट प्राइस मिलना चाहिए, वो एक सिस्टम बनाना चाहिए। उसके लिए कांग्रेस ने आंदोलन कराया।